नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में। आज हम जेल पहरी 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं। इसमें हमारा साथ देंगे हमारे आकाश जी, जिनका कि आज हमारा एग्ज़ाम था, इनके 72 मार्क्स आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा, इनको क्या अनुभव हुआ, पेपर टफ आया था, ईजी आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आकाश जी, हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि पेपर मॉडरेट तरीके मॉडरेट आ रहा है, ना कि टफ है ना ही सरल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पहले अफवाह फैली थी कि पेपर बहुत सरल आ रहा है या बहुत टफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पेपर मॉडरेट आ रहा है, आराम से ईजिली करिए, हो जाएगा पेपर। जैसे कि देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस तरह से हैं। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था, रंगमंच कार्यक्रम कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर है भोपाल। इसके बाद समीर वर्मा कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और ये हमारे धार जिले के रहने वाले खिलाड़ी हैं। काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं और कई एग्जाम में इनका नाम बार बार पूछा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, खिलाड़ियों से रिलेटेड, खासकर जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट हुए, हॉकी हुए, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ये किस जिले से संबंधित हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इन सब चीज़ों को आप एक बार जरूर देखिए एग्जाम जाने से पहले। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें, WWE में किस प्रथम भारतीय महिला ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये कविता कुमारी जी हैं, इन्होंने WWE में पार्टिसिपेट किया था, ये प्रथम भारतीय हैं। तो करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आज कितने क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से? कुछ नहीं, तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं जो करंट अफेयर से हैं, लगभग इसी साल के। अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश के नोबल पुरस्कार विजेता जो विदिशा जिले से संबंधित हैं, कौन है, तो उनका आंसर था कैलाश सत्यार्थी। एक क्वेश्चन आया था हमारे योजनाओं से, जैसे कि पहले भी आ रहा है, आरोग्य वैन योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो ये योजना गुजरात में शुरू की थी पीएम मोदी द्वारा गुजरात राज्य ने शुरू की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब है, आप सभी जानते हैं जो कि 1 नवंबर को है। इस बार 65वां स्थापना दिवस मनाया। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, पहले भी आया था, इस बार फिर से। अगला क्वेश्चन आया था, हिंडोला महल किसके द्वारा बनाया गया था, तो हुसंग शाह द्वारा, हिंडोला महल मांडू में बनवाया गया है जो कि, हाँ, ये हमारे मांडू में स्थित है। तो महलों से भी कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद दसान नदी किसकी सहायक नदी है, दसान नदी जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है। हाँ, दसान नदी जो है हमारी बेतवा नदी की सहायक नदी है। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी आए थे, जिसमें था कि किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है झारखंड राज्य में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, अप्रैल के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैथ से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि पहले 10% कमी होती है, फिर उसमें 10% की वृद्धि करने पर कितनी हानि होगी, इस टाइप का क्वेश्चन था। इसका आंसर एक आया था। ठीक है, इसके बाद दासबोध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, जो कि रामदास हैं, जो कि रामदास जी द्वारा लिखी गई है। फिर एक क्वेश्चन और था सर, थोड़ा सा बताइए इसको, जैसे एक क्वेश्चन था कि एक व्यापारी पहले कुछ आम लेता है, उसके पहले वह पूरे आम का 40% बेचता है और 40% भाग बेचता है और शेष बचे आम का वह 20% भाग खराब हो जाता है, जिससे वह अलग कर देता है। फिर दूसरे दिन वह उसी तरह शेष आम का 50% बेचता है और शेष आम को फेंक देता है, तो उसने टोटल कितने प्रतिशत आम फेंक दिए या खराब हो गए उसके, तो इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये परसेंटेज का क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन शंकु और गोला से भी आए थे, जैसा कि एडवांस मैथ्स में क्षेत्रमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और निधिशंक ज्यामिति से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन चैप्टर को थोड़ा विशेष रूप से देख के जाइएगा। और कुछ क्वेश्चन जो कि हमने पुराने एग्जाम में आए हैं, ये 9th और 10th की NCERT की मैथ्स की बुक से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 10th की बुक का जो चैप्टर नंबर फोर है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको जरूर एक बार देख कर जाइएगा। और अगर इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश का सेम ही लेवल कोई आर्टिकल आ रहे हैं, इसमें से कुछ स्पेलिंग करेक्शन आए थे, सेंटेंस अरेंजमेंट और मॉडल्स आए थे, और सर कुछ याद है आपको, दो टेंस के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में
दो वर्तनी के क्वेश्चन आए थे, एक कारक का क्वेश्चन था, दो पर्यायवाची के क्वेश्चन थे, दो संधि थी, दो समास पूछे गए थे, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और बाकी का रिव्यू हमने एक वीडियो पहले डाल चुके हैं आपके लिए। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए कि हमने हमारे ऐप पर एक मॉक टेस्ट तैयार करके डाल दिया है पहले से, तो इसमें हमने यही कोशिश की है जो जिस पैटर्न पर ये हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी पैटर्न से जितना मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर हो सकता था वो हमने तैयार किया और उस पर डाल दिया आपके लिए। कंप्लीट निःशुल्क है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस सर्च करके उसमें आप साइनअप करिए और वहाँ पर आप प्रैक्टिस नाउ ऑप्शन आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, प्रैक्टिस नाउ वहाँ पर जाके आपको वो टेस्ट पेपर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट टेस्ट तैयार कराया गया है, इसमें पांचों सेक्शन है हमारे और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के आधार पर बनाया गया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर दें। जिनका कल है एग्ज़ाम, परसों है या आगे आने वाले दिनों में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपको कहाँ उसमें सुधार करना है। थैंक यू सो मच।